हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कमलेश चौधरी, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। आज हम डीसीएम फॉर जेई 2022 का मेजर टेस्ट सीरीज का फोर्थ पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जेई मेंस में पार्ट वन फिजिक्स में सेक्शन ए पे आते हैं। सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चंस है, सिंगल चॉइस क्वेश्चंस है। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एवरेज मास ऑफ ए रेन ड्रॉप इज 3 × 10⁻⁵ और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी 9 m/s है, मतलब उस कांस्टेंट वेलोसिटी से रेन ड्रॉप्स फॉल हो रही है फाइनली। तो एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ट्रांसफर किया है जो रेन ने हर एक स्क्वायर मीटर में। तो देखो डेटा क्या दे रखा है, स्क्वायर मीटर में कितना ट्रांसफर किया है एनर्जी, और ये दे रखा है कि उस प्लेस पे 100 cm रेन हो रही है। मतलब अगर हम एरिया कंसिडर करें तो एरिया कंसिडर करना पड़ेगा 1 m² का, और जो हाइट कंसीडर करनी पड़ेगी वाटर अगर इकट्ठा हो जाए तो 100 cm वाटर इकट्ठा हो जाता है रेन की वजह से वहां पे। तो इसको यूज करते हुए हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी एनर्जी उसने ट्रांसफर की है। तो देखिए, एनर्जी ट्रांसफर क्या बोल सकते हैं, जो भी उसके पास रेन के पास काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 mv², वो एनर्जी ही पूरे ग्राउंड को ट्रांसफर की है, क्योंकि इस वेलोसिटी से आ रहा था, फाइनली वेलोसिटी जीरो हो गई, तो इतना एनर्जी ट्रांसफर किया है। अब मास लिखना है, कितना मास आ गया, तो पर ड्रॉप दे रखा है लेकिन नंबर ऑफ ड्रॉप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। डेंसिटी दे रखी है, टोटल मास वॉल्यूम से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा हाफ मास लिख दोगे डेंसिटी, डेंसिटी दे रखी है 1000, वॉल्यूम 1 m² एरिया इनटू हाइट 1 m के बराबर हाइट, तो ये आ जाएगा मास इसका टोटल। इतना मास कलेक्ट हो चुका है और वेलोसिटी थी 9 m², तो इतना टोटल वॉल्यूम कलेक्ट हो जाएगा वहां पे। तो ये हो गया 81/2, तो 81/2 कितना हो जाएगा 40.5 × 10⁻³ जूल के बराबर, या फिर 10⁻⁴ में लिखे तो 4.05 × 10⁻⁴ जूल के बराबर एनर्जी कलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक कोन दे रखा है जिसके बेस का रेडियस जो है वो आर है, बेस का रेडियस, हाइट दे रखा है एच, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर वो लोकेटेड है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल है उसके बेस के, तो ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना एंटर करेगा कौन से, टोटल फ्लक्स नहीं पूछा है, केवल एंटर कितना करेगा। तो देखें, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, एंटर कितना करेगा वो केवल फ्लक्स कैलकुलेट करना है अगर, तो यहां पर अगर मैं ये बोल दूं कि यहां पर एक ट्रायंगुलर शेप कंसीडर कर ले, तो जितना भी फ्लक्स इस ट्रायंगुलर शेप को क्रॉस करते हुए आएगा वो ही इस कोनिकल पार्ट को एंटर कर रहा होगा कोनिकल पार्ट से। तो इस वाले पार्ट को हम ले सकते हैं, इस पार्ट का बेस एरिया, बेस हो गया 2r का, हाइट दे रखी है h, तो इसका एरिया हो जाएगा इस ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया 1/2 base × height, इतना एरिया। और इस एरिया के परपेंडिकुलर है, या ये बोलो एरिया वेक्टर के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट ए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया के पैरेलल था, तो यहां से एरिया की वैल्यू है आर इंटू एच के बराबर। तो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस कोन के अंदर एंटर कर रहा होगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखे, हमें एक सर्किट दे रखा है, करंट एम्पियर में बताना है जो फ्लो हो रहा है 50 वोल्ट और 30 वोल्ट की बैटरी से, कि 50 वोल्ट और 30 वोल्ट की बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए, यहां पे इसमें करंट कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों में करंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि 5 ओम में करंट कितना जा रहा है और 20 ओम में करंट कितना जा रहा है, तो उनका समेशन इसमें करंट हो जाएगा। सिमिलरली यहां से इधर करंट कितना आया है और इधर कंसिडर कर लो, तो जो इधर से करंट आया है उसमें ये और ये करंट ऐड करेंगे तो इस करंट के बराबर होगा। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इन रेजिस्टेंसेज में करंट कैलकुलेट कर रहे हैं बैटरी में करंट कैलकुलेट करने के लिए। तो इस रेजिस्टेंस में करंट आ जाएगा वोल्टेज सीधा सीधा 50, तो करंट हो जाएगा V/R 50/20 2.5, तो 2.5 एम्पियर इसमें करंट फ्लो है, हाई वोल्टेज ऊपर वाला है, लो वोल्टेज नीचे वाला, तो ऊपर से नीचे की ओर करंट है। इसमें करंट कैलकुलेट कर लेते हैं 10 और डायरेक्टली 30 वोल्ट इसके अक्रॉस, तो करंट हो जाएगा V/R 3 एम्पियर करंट इसमें। तो इसमें करंट हाई वोल्टेज ऊपर वाला, हाई से लो करंट फ्लो हो रहा होगा, ये करंट ऊपर से नीचे की ओर, इसमें करंट। अब इन दोनों में करंट कैलकुलेट करने के लिए इस आउटर लूप को देखें, आउटर लूप को,
तो प्लस 50 माइनस आईआर माइनस 30 माइनस आईआर, सेम करंट फ्लो होगा इसके अंदर और इसके अंदर, करंट डिवाइड करके देखेंगे तो जो करंट यहां पे डिवाइड हुआ है सेम करंट यहां पे फ्लो होगा, तो माइनस आई इंटू 5 और इक्वल्स टू 0, तो प्लस 20 इक्वल्स टू 10 आई, तो यहां से आई की वैल्यू आ गई है 2 एम्पियर। तो ये 2 एम्पियर करंट किधर, हमने 50 वोल्ट को हाई कंसीडर किया है तो 2 एम्पियर करंट इधर जा रहा था, इधर से इधर जा रहा था। अब इसके अंदर से करंट कितना है, इन दोनों का सम, ये 2 एम्पियर था, 2 एम्पियर ये है, 2.5 ये था, 2 और 2.5 तो 4.5 करंट इसके अंदर है, 4.5। ऐसे ही यहां पे करंट है 2 एम्पियर, यहां पे करंट है 3 एम्पियर, तो 2 एम्पियर यहां से आया, 3 इधर से आया, तो इधर से 1 एम्पियर करंट आएगा, तो इस बैटरी से करंट फ्लो रहा है 1 एम्पियर के बराबर, तो ये थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर दे रखे हैं और फोर्स एक्सपीरियंस बताना है मिडिल कंडक्टर पे कितना होगा 25 सेंटीमीटर लेंथ पे, तो इसकी 25 सेंटीमीटर लेंथ पे फोर्स कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो देखें, दो पैरेलल वायर्स अगर होते हैं तो एक वायर की वजह से दूसरे वायर पे यूनिट लेंथ पे करंट हम बोलते हैं म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2πd यूनिट लेंथ पे, तो किसी भी एल लेंथ पे करंट सॉरी फोर्स इतना हो जाएगा। तो यूनिट लेंथ पे फोर्स का फॉर्मूला में पता है इंटू एल, इस पे एल लेंथ पे फोर्स आ जाएगा। अब फोर्स की डायरेक्शन किधर है, तो दोनों में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में करंट होगा तो रिपल्सिव नेचर का, तो इसके और इसके बीच में फोर्स रिपल्सिव नेचर का, इसको F1 बोल देते हैं। ऐसे इन दोनों में करंट जो है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिपल्सिव, ये F2 इधर, तो नेट फोर्स हम क्या बोल सकते हैं, अगर F1 को ग्रेटर ले लेते F1 माइनस F2 और ग्रेटर इसको बोल दिया तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, तो नेट फोर्स हम बोल रहे हैं यहां पे F1 माइनस F2, F1 F2 में लिख दें, F1 की वैल्यू हो गई म्यू नॉट, कॉमन क्या आ जाएगा दोनों में, ये करंट, ये वाला करंट जिस वायर में फोर्स निकालना था, ये लेंथ और 2πम्यू नॉट, ये कॉमन आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई बीच वाले वायर में और उसकी लेंथ डिवाइड बाय 2πकॉमन है, बच गया क्या, इसमें करंट डिवाइड बाय डी, इसमें करंट 30 डिवाइड बाय डी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रहने दे, बाद में कन्वर्ट कर देंगे बाहर, माइनस ये 20 डिवाइड बाय 5, सेंटीमीटर था, कन्वर्ट कर देते हैं तो ऊपर लिख दिया 10^+2, ये आ गया। अब म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू है 10^-7, ये 2 है तो 2 × 10^-7, आई इस बीच वाले वायर में करंट 10, कितने लेंथ पे 25 सेंटीमीटर को 1/4 मीटर बोल दो, और ये वैल्यू रह गई 10 4 6 रह गया, ये वैल्यू 6 × 10^-2, तो देखेंगे तो ये 2 और जो 2 था 3, तो वैल्यू आ जाएगी 3 × 10^-7 6 और ये हो गया 8, प्लस 2 था सॉरी, ये प्लस 2 है, 7 6 2 और गए 4 न्यूटन माइनस का, इतना फोर्स आ जाएगा इस वायर पे, और हमने F1 को ग्रेटर कंसीडर किया था इस डायरेक्शन में, तो राइट साइड में ये नेट फोर्स हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट पे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 मासेस है M2M और 3M और XY प्लेन में मूव कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटीज गिवन है 3U 2U एंड U रेस्पेक्टिवली, और 3 मासेस कोलाइड हुए किसी पॉइंट P पे और स्टिक हो चुके हैं, साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी बतानी है रिजल्टेंट मास की कितनी आएगी। तो देखें, जब मल्टीपल पार्टिकल्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं और बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहा था, मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, तो जितना मोमेंटम पहले रहेगा पूरे सिस्टम का उतना ही मोमेंटम फाइनली तो सारे साथ में जाएंगे, तो कंबाइंड बोल सकते हैं, पहले का मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में लिख दो, तो पहले पार्टिकल का मोमेंटम है 3mu पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आई कैप, इस वाले पार्टिकल का मोमेंटम लिखें तो 4mu m1v1 और डायरेक्शन जो है वो एक्स और वाई एक्सिस से कुछ 60 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, तो इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा कॉस, तो माइनस कॉस 60 आई कैप, और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा साइन, माइनस साइन 60
जी कैप, और प्लस इस एक और पार्टिकल का मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी की वैल्यू तो है 3mu, और इसके मोमेंटम के कंपोनेंट की वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेगेटिव, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वही माइनस कॉस 60 आई कैप और प्लस साइन 60 जे कैप। ये मोमेंटम हो गया पहले का। अभी इसी को सॉल्व करें, इक्वल करना है फाइनल मोमेंटम के, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं एक बार ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखें एक्स में 3 और ये वैल्यू है हाफ, 3 था माइनस का 2 हाफ होने की वजह से, तो प्लस का 1, प्लस का 1 ये हाफ हो गया और ये हाफ हुआ, तो प्लस का माइनस का 1.5, 1 कैंसिल हो गया, केवल हाफ रह गया, तो एम यू बाय 2 माइनस का आई कैप एक्स में। वाई वाले पार्ट को देखें तो वाई में ये तो था नहीं, इधर है 4 रूट 3 बाई 2, तो 2 रूट 3 बाई 2, तो ये वैल्यू आई इधर से 2 रूट 3 बाई 2, 2 रूट 3, और ये वैल्यू रह गई थी 3 रूट 3 बाई 2, इसको बाई 2 रहने दो, 4 रहने दें इसको, और इसमें माइनस है ये प्लस है, तो ये प्लस ये माइनस, फाइनली ये भी कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा इधर, और बाई रूट 3 माइनस रूट 3 बाई 2 एम यू जी कैप। ये आ गया फाइनल, मतलब इनिशियल मोमेंटम जो था उसको कन्वर्ट कर दिया, इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम सारे पार्टिकल साथ में है, तो टोटल मास 3 5 और 1 6 6 एम, और फाइनल वेलोसिटी भी, तो एम पूरा कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय 6 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई, यू कॉमन ले लें, माइनस भी कॉमन ले लें, तो 1/12 आई कैप प्लस रूट 3/12 जी कैप, या 12 भी बाहर ले लें, ये वैल्यू आ जाए, तो यू बाय 12, यू बाय 12 माइनस हमने अंदर भेज रखा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी यू बाय 12 माइनस आई कैप माइनस रूट 3 जे कैप। फिफ्थ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6 में 4 ग्राम बुलेट जो है वो फायर किया है हॉरिजॉन्टली, जिसकी स्पीड है 300 मीटर पर सेकेंड, 0.8 केजी के एक वुडन ब्लॉक जो रेस्ट में था टेबल पे, उससे स्ट्राइक किया, उसके अंदर स्ट्राइक किया, तो और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक और टेबल के बीच में 0.3 दे रखा है, तो ये पूछा हुआ है कि ब्लॉक कितना डिस्टेंस स्लाइड करेगा जैसे बुलेट हिट करके इसके अंदर पेंट्रेट इसके अंदर आ गया उसके बाद से। तो देखें पहले ब्लॉक, बुलेट, बुलेट किसी वेलोसिटी से आ रही थी, ब्लॉक से हिट किया, हिट करने के बाद अब दोनों मूव करना स्टार्ट करेंगे तब फ्रिक्शन लगना स्टार्ट करेगा, लेकिन अभी जब जस्ट आफ्टर कोलिजन हम ये बोल सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, उससे इसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, पहले का मोमेंटम, मास 4 ग्राम, ग्राम में ले लेते हैं पूरी वैल्यूज, 4 ग्राम इनटू वेलोसिटी 300, ये इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का, इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, दोनों साथ में जा रहे हैं, टोटल मास हो गया 800 ग्राम, तो ये हो गया 804 वी, ये वेलोसिटी 4 से 201, तो वेलोसिटी आ जाएगी 300 बाय 201, इसको अप्रोक्सीमेट 200 बोल दें, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 बाय 2 की अप्रोक्स, तो ये वेलोसिटी है 3 बाय 2 आफ्टर कोलिजन। अब इस वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा, तो यहां पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.3, जिसकी वजह से ब्लॉक पे पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स, एक ही सिंगल फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल में फ्रिक्शन फोर्स, और वो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एन, जो म्यू एम जी के बराबर होता है, और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू एम ए नेट फोर्स, तो इसका रिटार्डेशन म्यू जी के बराबर आ जाएगा, और म्यू जी के बराबर रिटार्डेशन है, वी वेलोसिटी है, फाइनली रेस्ट में आना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो न्यूटन थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल दे रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा वी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू जी, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वेलोसिटी का स्क्वायर किया 9/4 बाय 2, फ्रिक्शन कोफिशियंट 0.3, और जी की वैल्यू 10 के अप्रोक्स ले लेते हैं 10, तो ये वैल्यू हो गया 0.3, 3 रह गया था 3 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गई 3/8, 3/8 हो गया 24, लगभग 0.37 के अराउंड ये वैल्यू आ जाएगी,
तो 0.37 मीटर के अराउंड ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सिक्स्थ का सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन में एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, रेडियस है उसका ए और कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी, और यहां पे बोल रखा है कि सेंटर सर्कल का जो है वो सेंटर सी को मार्क किया हुआ है। एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट कैलकुलेट करना है इस पार्टिकल का। तो देखें यहां पे कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो वी इसकी स्पीड, वी यहां पे वेलोसिटी डायरेक्शन हो गई, और ये डायरेक्शन हो गई आर की। तो अगर मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो मुझे आर और वी के बीच का एंगल चाहिए ये थीटा, और ये थीटा या फाइव बोल देते हैं, या फिर वेलोसिटी का कंपोनेंट कर लें, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी आर साइन फाइव के बराबर। अब ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं जरा, मास तो एम, वेलोसिटी वी गिवन ही है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये तो रेडियस था, ये डिस्टेंस हो गया ए कॉस थीटा, ये डिस्टेंस, सिमिलरली ये ए था, सेम एंगल थीटा ये आएगा, ए कॉस थीटा ये आएगा, तो ये आ गई डिस्टेंस टू ए कॉस थीटा, डिस्टेंस आ गया। एंगल कितना है दोनों के बीच में, तो ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो ये 90 ये थीटा, तो ये एंगल हो गया 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल की वैल्यू आ गई 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा बोलते हो, तो ये एंगल 90 प्लस थीटा के बराबर, ठीक है, माइनस थीटा सॉरी, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम आ गया एम वी ए टू, और साथ में है कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और टू कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन माइनस सॉरी कॉस टू थीटा प्लस वन के बराबर, तो कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया कॉस टू थीटा प्लस वन, तो यहां पे अपना एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा एम वी ए वन प्लस कॉस टू थीटा के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट में दो मासेस गिवन है एम वन एम टू वी वन वी टू वेलोसिटी डायग्राम में शो की हुई है, तो जरा देखते हैं। दो प्लेनेट है M1 M2 मास के, रेस्ट में है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब काफी लार्ज डिस्टेंस कंसीडर करनी है, इनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वे एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और इनकी स्पीड बतानी है जब इनके बीच में सेपरेशन डी के बराबर हो गया। काफी लार्ज डिस्टेंस से चलते हुए आ रहे हैं, जब डी डिस्टेंस हो गया तब इनकी वेलोसिटी पूछी है कितनी होगी। तो देखिए जब ये ट्रेवल करते हुए आएंगे तो एक तो ये बोल सकते हैं कि दोनों पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो, इसलिए जितना मोमेंटम पहले उतना मोमेंटम बाद में, तो इनिशियली काफी लार्ज डिस्टेंस पे रेस्ट में थे तो इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम ट्रेवल करते हुए आ रहे एम वन वी वन अपोजिट डायरेक्शन दूसरे की एम टू वी टू, तो ये रिलेशन आ गया कि जो वेलोसिटी है वो मासेस के इनवर्स रेशियो में है, वी वन बाई वी टू इक्वल्स टू एम टू बाई एम वन, एक ये रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन है कि इनकी जो भी एनर्जी है, जो पहले पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी, तो एनर्जी कंजर्वेशन से लगाते तो काफी लार्ज डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, रेस्ट में थे काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनली डी डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई जी एम वन एम टू बाय डी माइनस का, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से एक तो वेलोसिटी का रेशियो यहां पे है, सब्स्टिट्यूट कर दोगे अगर इसको, तो ये वैल्यूज हो जाएगी जी एम वन एम टू बाय डी इक्वल्स टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू, को यहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया, वी टू इक्वल्स टू एम वन वी वन डिवाइड बाय एम टू का होल स्क्वायर। अब यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो V1 की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके आएगी ये, और V1 और V2 की वैल्यू, तो यहां पे सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा V1 V2 गिवन यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन में एक सिलेंड्रिकल वेसल है क्रॉस सेक्शनल एरिया A जिसके अंदर वाटर H हाइट तक भरा हुआ है, और एक होल है बॉटम पे जिसका रेडियस है A, टाइम कितने टाइम में ये पूरा खाली हो जाएगा वो कैलकुलेट करना है। तो देखें इसमें
सिलेंडर इस लिक्विड को पूरा बाहर आने में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए यहां से वाटर के फ्लो की रेट निकाल लेते हैं एक बार। तो अगर एच हाइट तक वाटर भरा हुआ है तो फ्लो की रेट यहां पे वेलोसिटी आती है रूट टू जी एच, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स बोलते हैं इसको। तो इस वेलोसिटी से वाटर बाहर आ रहा है और एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बता देगा कितना वॉल्यूम पर सेकेंड फ्लो है। तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो आ जाएगा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेडियस आर दे ए दे रखी है, तो एरिया इनटू वेलोसिटी, ये है रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। अब रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो यहां से भी बोल सकता हूं मैं कि रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो ये हाइट किस रेट से चेंज हो रही है उसके बेसिस पे, या वॉल्यूम को लिख दो यहां पे एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट, तो ये वैल्यू आ जाएगी एरिया इनटू हाइट लिख देंगे, एरिया कॉन्स्टेंट डी एच बाई डी टी, और हाइट डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली इसलिए यहां पे नेगेटिव साइन लगा दिया। तो ये रिलेशन आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई एच और टी के अंदर। तो एच वाले टर्म एक तरफ ले गए तो ये डी टी इधर ये आ जाएगा ए बाई पाई ए स्क्वायर और डिवाइड बाई टू जी रूट में, और एक रह गया डी एच और एच रेज टू पावर इधर आने पे माइनस हाफ। ये इक्वेशन हमारे पास हो गई। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन, टी बराबर जीरो पे इसकी हाइट है एच और फाइनली टी टाइम पे हाइट हो जाएगी जीरो। अब इसको इंटीग्रेट करें, एच रेस बार माइनस हाफ है, माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, बाकी वैल्यूज यहां रख रहे हैं, ए बाय पाई ए स्क्वायर रूट टू जी, एच का इंटीग्रेशन माइनस हाफ का, माइनस हाफ प्लस वन, प्लस हाफ आ जाएगा ऊपर, और डिवाइड बाय थ्री बाय टू, थ्री बाय टू सॉरी वन बाय टू, टू पर आ जाएगा। तो ये वैल्यू एक रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया ए बाई पाई ए स्क्वायर रूट टू एच अपॉन जी के बराबर, तो रूट टू एच अपॉन जी के बराबर सेकेंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन। टेन में 200 बबल है जो मिक्स हो गए, एक सिंगल बबल बना रहे हैं, वॉल्यूम वी जो है वो उसमें टोटल चेंज हुआ, इस कंडीशन में वो वॉल्यूम में चेंज वी हुआ है, सरफेस एरिया में टोटल चेंज एस है, और सरफेस टेंशन की वैल्यू कैपिटल टी, एटमोस्फेरिक प्रेशर पी है, तो इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। तो प्रेशर, वॉल्यूम, सरफेस टेंशन और एरिया में यहाँ पे रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए, जब दो बबल आपस में मिक्स हो रहे हैं और एक सिंगल बबल बना रहे हैं, लार्ज बबल, तो हम ये बोल सकते हैं कि इनके मिक्स होने पर जो अमाउंट ऑफ गैस है वो तो चेंज होगा नहीं, जितने नंबर ऑफ मोल्स पहले उतने नंबर ऑफ मोल्स बाद में। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स क्या लिख सकता हूं, पी वी बाई आर टी पहले के लिए, ऐसे दूसरे के लिए पी वी बाई आर टी, ऐसे लास्ट वाले के लिए पी फाइनल वी फाइनल बाई आर टी टेम्परेचर, थीटा बोल दो ई टेम्परेचर। अब इस वाली कंडीशन में हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि प्रोसेस जो है एक तरह से टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, आर टी कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेशर पहले का किसी भी सो बबल के अंदर प्रेशर बोल सकते हैं पी नॉट प्लस एक्सेस प्रेशर 4t बाई आर वन, वॉल्यूम लिख सकते हैं 4 बाई थ्री पाई आर वन क्यूब, ऐसे सेकेंड वाले में प्रेशर पी नॉट प्लस 4t बाई आर टू, वॉल्यूम हो जाएगा 4 बाई थ्री पाई आर टू क्यूब, और इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर, इसके अंदर फाइनल प्रेशर वही पी नॉट प्लस एक्सेस प्रेशर 4t बाई आर इंटू वॉल्यूम 4 बाई थ्री पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब या जाएगा। अब देखें, इसमें प्रेशर वाले टर्म्स एक साथ लिख देते हैं, पी नॉट पहले का वॉल्यूम, दूसरे का वॉल्यूम, पी नॉट फाइनल वॉल्यूम जो इधर आके माइनस का, तो फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड वाले का वॉल्यूम माइनस टोटल वॉल्यूम फाइनल, यह आया पी नॉट के साथ, और इसके साथ देखते हैं तो ये 4t R1 एक कैंसिल हो जाएगा, R2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, R यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें 4t और बाकी बाई थ्री एक रहेगा, एक अंदर वैल्यू आ जाएगी 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 पाई R2 स्क्वायर, 2 है ये, और माइनस 4 पाई R रिजल्टेंट स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। अब यहां पे बोल रखा है कि जो S है वो है टोटल सरफेस एरिया में चेंज, V टोटल वॉल्यूम में चेंज, तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम में चेंज, एटमोस्फेरिक प्रेशर को P बोल रखा है तो PV आ गया।
सरफेस एरिया, जब बबल के अंदर सरफेस एरिया लिखेंगे तो आउटर सरफेस एरिया इनर सरफेस एरिया मिला के टोटल 8 पाई आर स्क्वायर होगा, तो इसको तो 2 रहने दो और ये अंदर 8 भेज दो, तो टोटल सरफेस एरिया में चेंज ये लिखा हुआ है, पहले का सरफेस एरिया माइनस फाइनल सरफेस एरिया, तो यह आ जाएगा 2t/3 और इसको सरफेस एरिया में चेंज को एस बोल रखा है इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया एक तरह से 3PV + 2TS = 0, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में एक कारनॉट इंजन दे रखा है जो 1000 जूल हीट जो है वो रिजर्वायर से 127 डिग्री सेल्सियस पे एब्जॉर्ब कर रहा है और रिजेक्ट कर रहा है 600 जूल सिंक पे बोल सकते हैं हर एक साइकिल में, तो एफिशिएंसी बतानी है और टेम्परेचर सिंक का बताना है। तो देखिए कारनॉट इंजन में एफिशिएंसी हम लिख सकते हैं नीटा इक्वल्स टू 1 - Q, बाहर कितना थ्रू किया है क्यू आउटपुट बाय क्यू इनपुट, या इसको बोल सकते हैं 1 - टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ये बोल सकते हैं। अब आउटपुट हीट दे रखा है 600, इनपुट दे रखा है 1000, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होगी तो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे 1 माइनस करके, और ये इक्वल है 1 - टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। अब सोर्स का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, केल्विन में पुट करना है, 273 ऐड किया तो ये आ जाएगा 400 ही आ गया। अब यहां से कैलकुलेट करें तो ये आया 6/10 इक्वल्स टू टी सिंक डिवाइड बाय 400 जो हो जाएगा 0 और गया 240 केल्विन, ये आ गया सिंक का टेम्परेचर, केल्विन में 274 तो इसमें माइनस 273 कर दिया, 273 माइनस किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 और 3 माइनस, तो 33 डिग्री सेल्सियस ये इसका टेम्परेचर आ जाएगा सिंक का। फिर एफिशिएंसी पूछी है तो यहां से एफिशिएंसी देखोगे तो ये वैल्यू आ गई 1 - 6/10 या 4/10 जिसको बोल सकते हैं 0.4 परसेंटेज वाइज 40% हो गया, तो एफिशिएंसी 40% और टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डायलैक्ट्रिक का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बता रखा है जो वेरिएबल है K0 + λ x, जहाँ K0 एक कांस्टेंट, लेमडा एक कांस्टेंट दे रखा है और x जो है वो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में, डी प्लेट्स के बीच में सेपरेशन था, x डिस्टेंस है किसी एक प्लेट से, कैपेसिटेंस C टोटल है और मीडियम में वैक्यूम में कैपेसिटेंस C0, तो इनमें कौन सा रिलेशन सही होगा वो बताना है। तो देखें अगर इसकी प्लेट्स के बीच में डायलैक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं, कोई सा भी एक छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं इसमें, क्योंकि डायलैक्ट्रिक मीडियम वेरिएबल है तो हमने एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एक्स विड्थ का एक सेक्शन ले लिया, इस सेक्शन का कैपेसिटेंस लिख रहा हूं और ये वाला सेक्शन और अगला जो सेक्शन होगा वो आपस में एक दूसरे के साथ सीरीज में होंगे, सीरीज में होंगे तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर कैलकुलेट करना है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में 1/C eq = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, तो हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 पार्ट का कैपेसिटेंस। अब एक पार्ट का कैपेसिटेंस कितना है तो वो लिखें, तो एक पार्ट का कैपेसिटेंस बोल सकते हैं εo KA/d के बराबर, तो εo K डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, K एरिया बाय d इसकी विड्थ हो जाएगी जो dx ऊपर आ जाएगा। तो ये हमने एक छोटे से पार्ट का कैपेसिटेंस लिखा, इंटीग्रेट करना है पूरे x को 0 to d तक ले जाना है, तो यहां पे ये वैल्यूज आ गई जिसमें εo A पहले वाले कैपेसिटेंस से रिलेट कर दें तो C0 = εo A/d होगा, तो यहां पे εo A को हम लिख सकते हैं C0 × d के बराबर, तो यहां पे 1/C0 d तो बाहर रखो और बाकी जो लिखा हुआ है वो है 1/K0 + λ x जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, पहले अपर लिमिट पुट कर दो K0 + λ d / lower limit K0, ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये 1/C eq का वैल्यू है, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई यहां से C0 d / log K को इस तरह से लिखा हुआ है डिवाइड करके, तो 1 + λ d / K, ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया C0
एक चीज और, जब इंटीग्रेट कर रहे हैं वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो डिवाइड में और आता, तो यहाँ पे लेमडा और नीचे आएगा, जो लेमडा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो सी नॉट डी लेमडा, सी नॉट डी लेमडा और डिवाइड में ये वैल्यू और गिवन है, तो ये थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, 13 में एक साइनोसॉइडल वोल्टेज दे रखा है, अप्लाई किया प्योर इंडक्टर के अक्रॉस, इंडक्टेंस गिवन है, करंट बताना है कॉइल में से कितना जाएगा, इंडक्टर में से करंट कितना पास होगा। तो करंट क्या लिख सकते हैं इंडक्टर में, I इक्वल्स टू V बाय XL, पीक वैल्यू के लिए तो लिख देते हैं पीक वोल्टेज, तो पीक वोल्टेज है इसका 100, ये रहा, डिवाइड बाय XL बोलेंगे ओमेगा L, ओमेगा ये रहा, L ये रहा, ओमेगा 500, L की वैल्यू 0.02, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां पे, दो जीरो पॉइंट सारे कैंसिल, 10, तो ये आ गया 10 एम्पियर पीक करंट की वैल्यू, पी करंट की वैल्यू 10 है। अब वोल्टेज दे रखा है इंडक्टर में, करंट लैग कर रहा होता है वोल्टेज से, तो वोल्टेज का इक्वेशन है, करंट का इक्वेशन आ जाएगा पी करंट साइन ओमेगा टी, लैग करेगा पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू, ये हो गया। अब साइन थीटा माइनस पाई बाई टू को लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा, तो ये करंट की वैल्यू आ जाएगी, तो करंट हो जाएगा अपना माइनस 10 कॉस 500 टी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मटेरियल का बता रखा है, कॉनकेव लेंस का म्यू, और इसको एक मीडियम में इमर्ज किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है लेंस पे, पाथ ऑफ इमर्जिंग रे व्हेन म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू, मतलब आउटसाइड मीडियम जो है वो लेंस के मीडियम से डेंसर है, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा कि लेंस जो भी बिहेवियर है, वैक्यूम में जैसा बिहेवियर है या एयर में जैसा बिहेवियर होता है उसका अपोजिट बिहेवियर हो जाता है। वैक्यूम में ये डाइवर्जिंग भी लेंस की तरह या एयर में डाइवर्जिंग लेंस की जैसे बिहेव करता, लेकिन अब ये लेंस कन्वर्जिंग लेंस की जैसे बिहेव करेगा, मीडियम जैसे बाहर वाला डेंस होगा, क्योंकि हम फोकल लेंथ लिखते हैं 1/f इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसमें ये जो वैल्यू है, जैसे ही बाहर वाला मीडियम डेंसर होगा ये वैल्यू 1 से लेस होगी, साइन चेंज हो जाएगा, ये पूरा नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, इसलिए तो इसलिए यहां पे ये जो लेंस है वो कन्वर्जिंग की जैसे बिहेव करेगा, तो कन्वर्जिंग लेंस हो गया अपना फर्स्ट। 14 के बाद 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें इंटरफेरेंस पैटर्न जो है पी पॉइंट पे इन दो वेव्स की वजह से, दो रेज की वजह से जो सोर्स एस से आ रहा है उनकी वजह से बता रखा है। एल की वैल्यू जिसके लिए मैक्सिमा ऑप्टेन हो पी पॉइंट पर, आर इज जो है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो इस पॉइंट पर हमें मैक्सिमा मिलना चाहिए, तो उसके लिए ये बताना है कि एल की वैल्यू कितनी हो, 2L जो दे रखा है इसमें एल की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर मैक्सिमा के लिए जो टोटल फेज रिफरेंस है वो 2y का मल्टीपल होना चाहिए, अब फेज रिफरेंस बोल दो या पाथ डिफरेंस ज्योमेट्रिकल, लेकिन जब रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन की वजह से पाई का फेज चेंज आ सकता है, आ जाता है, तो पाई का फेज चेंज जो इक्वेलेंट टू लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस है, तो एक तो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस निकाल लो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 30 ये 30 रिफ्लेक्टिंग सरफेस दे रखी है, यहाँ पे बोल रखा है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये टोटल एंगल था 120, ये रह गया 60, ये लेंथ हो गई हाफ एल, ये एंगल 60 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी एल, इसका साइन 60 कॉम्पोनेंट ये होता, तो ये अपॉन साइन 60 हो गया, तो एल बाई साइन 60 बाई साइन 60 ये वैल्यू, इतना ये लेंथ हो गया, तो पाथ डिफरेंस आ गया, ये पाथ 2L बाई रूट थ्री, इतना तो ये पाथ ट्रेवल कर रहा है और ये ट्रेवल कर रहा है 2L, तो ये आ गया ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से इक्वेलेंट लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस और बोल सकते हैं, ये टोटल पाथ डिफरेंस। मैक्सिमा के लिए या कंसेक्टिव के लिए यहां पे एल लैम्डा के मल्टीपल होना चाहिए, मैक्सिमा के लिए लिख दिया, तो ये वैल्यूज हो गई 4 या 2L कॉमन ले लें, 2L कॉमन ले लें, तो ये वैल्यू है 2 माइनस रूट थ्री
डिवाइड बाय रूट थ्री, और ये इधर आ गया लेमडा बाई टू, माइनस किया तो टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू, ये रह गया टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू। तो यहां से एल की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू, ये था बाई टू और आएगा फोर, और एक रहेगा टू माइनस रूट थ्री, और ये रूट थ्री ऊपर चला जाएगा। तो ये एल की वैल्यू होनी चाहिए। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन फर्स्ट नहीं है, सेकंड में रूट थ्री नहीं है, थर्ड जो है थर्ड ऑप्शन ये हो जाएगा। 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बीम ऑफ लाइट जिसमें दो वेवलेंथ है 4972 और 6216 एंगस्ट्रम, टोटल इंटेंसिटी जो है वो 3.6 × 10⁻³ - 3 है, दोनों में इक्वली डिवाइड हो रखी है। नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है ये बीम एक एरिया पे 1 cm² पे, और उस मेटेलिक सरफेस का वर्क फंक्शन 2.3 है, और कोई लॉस नहीं कंसीडर कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की वजह से। तो कितने जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो जनरेट होंगे अगर हर एक कैपेबल फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में निकाल रहा है अगर। तो देखें इसमें सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, दोनों ही यूज होंगी कि किसी एक के करस्पॉन्डिंग होगा। दोनों अगर यूज हो रही है तो टोटल इंटेंसिटी हाफ ऑफ डिवाइड करके यूज करेंगे, अदरवाइज किसी एक को यूज करना पड़ेगा, वो देखते हैं। तो ये जो वर्क फंक्शन है इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करें एच सी बाई फाइव से, तो इसकी वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा और 6000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आएगी। पूरा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, केवल इतना रफली ठीक है। अब इसका मतलब इस से कम वेवलेंथ ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और इससे ज्यादा वेवलेंथ ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ज्यादा वेवलेंथ मतलब कम एनर्जी, कम वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी, तो इसके करस्पॉन्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। अब इसके बाद की कैलकुलेशन करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केवल इस वाली वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग है, तो इसमें से आधी इंटेंसिटी केवल यूज हो रही है, आधी इंटेंसिटी यूज हो रही है। तो इंटेंसिटी इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड एच सी बाय लेमडा डिवाइड बाय एरिया, इसको हम इंटेंसिटी बोल रहे होते हैं लाइट जब इंसिडेंट होती है। अब जितने फोटोन्स आएंगे इस वेवलेंथ के वो सारे फोटोन्स एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे, तो इतने इलेक्ट्रॉन ही पर सेकंड निकल जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे एन इंटू टी बोल सकते हैं, ये पर सेकंड थे, इंटू टी टू सेकंड है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आई लेमडा ए बाय एच सी इंटू टी। इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे टोटल जनरेट होंगे, वैल्यूज लिख देते हैं। इंटेंसिटी गिवन है 3.6 का हाफ चाहिए, तो 3.6 × 10⁻³ - 3 ये टोटल के करस्पॉन्डिंग था। वेवलेंथ 4972 एंगस्ट्रॉम, एरिया एरिया दे रखा है 1 cm² 10⁻⁴ m², टाइम है 2, डिवाइड बाय एच सी 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कैंसिल करो, 2a कैंसिल हो जाएगा, और बाकी पावर्स देखते हैं, और इधर शिफ्ट कर देते हैं इसको, यहाँ पे डेसिमल 3 के बाद और यहाँ पे इसके बाद शिफ्ट कर देते हैं। लगभग इसको 5000 ही कंसीडर कर लो, ये 5000 एंगस्ट्रॉम है, और ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट करके इसको बोल दिया 10⁻⁴ साथ में। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज हो गई 3.6 × 5 डिवाइड बाय 1.2, इलेक्ट्रॉन भी है तो 1.6 × 10⁻⁹। अब पावर अलग देख लेते हैं, -3 + 3 - 4 - 4 और 10⁻⁹ ऊपर आया था +19, तो पावर में कितना रह जाएगा वो देख लेते हैं पहले, -3 + 3 कैंसिल, 8, 11 रह जाएगा, तो 10⁻⁰ में आएगा, तो 11 में ऑप्शन सारे हैं, बस न्यूमेरिकल वैल्यू और देख लेते हैं एक बार। तो ये कैलकुलेशन हमें देखनी है, तो इसको 1.25 बोल दो अप्रॉक्स, और इसको 1.5 कर लो, और इसको 3.6 ही रहने देते हैं, या 16 है, 16 से 0.8 और ये 1.8, 0.4.9 और 1.25 से ये 4 times कैंसिल हो जाएगा,
और 4 से ये 0.1, तो ये 9 के अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। तो 9 × 10⁻¹ⁱ इलेक्ट्रॉन्स 2 सेकंड के अंदर जनरेट हो जाएंगे टोटल। 16 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में एक हैवी बॉक्स है जिसको ड्रैग कर रहे हैं रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे। एक पर्सन ए जो है वो इसको पुश कर रहा है एंगल 30 पे और मिनिमम फोर्स इसको रिक्वायर्ड है एफ ए, जबकि पर्सन बी पुल कर रहा है बॉक्स को 60 डिग्री पे, तो इसको फोर्स मिनिमम रिक्वायर्ड है एफ बी। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन √3/5 है, तो एफ ए और एफ बी का रेशियो बताना है। तो देखें जो पर्सन ए इसको पुश कर रहा है 30 डिग्री पे, तो अगर पुश करेगा तो 30 डिग्री पे पुश करने का मतलब हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री डाउनवर्ड पुश कर रहा होगा, इस तरह से होगा। अब इसमें इसको मूव करवाने के लिए मिनिमम फोर्स एफ ए चाहिए, तो ये फोर्स एफ ए ले लेते हैं। एफ ए का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एफ ए कॉस 30, वर्टिकल कॉम्पोनेंट एफ ए साइन 30, वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी, वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल, पीछे की ओर फ्रिक्शन काइनेटिक मूव कर रहा है। जस्ट लिमिट क्रॉस किया है, तो एफ ए कॉस 30 इक्वल्स टू एफ काइनेटिक, जिसको म्यू एन बोल सकते हैं, एन इन दोनों के सम के बराबर है, तो म्यू एन और एन की वैल्यू हो गई एफ ए साइन 30 प्लस एम जी। इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर रहेगा म्यू एम जी डिवाइड बाय कॉस 30, ये उधर जाके माइनस का हुआ था, माइनस म्यू साइन 30। ये फोर्स इसके लिए रिक्वायर्ड है। एफ ए की वैल्यू आ गई। एफ बी में क्या किया हुआ है, उसमें पुल कर रहा है, वो पुल कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल से ऊपर की ओर एंगल होगा, ये एंगल हो गया 60 डिग्री एफ बी, तो एफ बी हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एफ बी कॉस 60, वर्टिकल एफ बी साइन 60 और वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी, ग्राउंड से अपवर्ड नॉर्मल, पीछे की ओर फ्रिक्शन काइनेटिक। अब इसमें क्या होगा, आगे वाला फोर्स एफ बी कॉस 60 वो एफ काइनेटिक के बराबर होगा, जिसको बोल सकते हैं म्यू एन, और एन की वैल्यू इस बार ये एफ बी साइन 60 अपवर्ड आ रहा है, तो एम जी माइनस एफ बी साइन 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी एफ बी, ये माइनस इधर प्लस का हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, इधर रहेगा म्यू एम जी डिवाइड बाय कॉस 60 और ये भी इधर आया था वो प्लस का हो गया था म्यू साइन 60। ये दोनों फोर्सेस आ गए। अब इन दोनों फोर्सेस का रेशियो पूछा हुआ है, तो रेशियो लेंगे तो म्यू एम जी कैंसिल हो जाएगा, ये एफ ए के अंदर रहेगा, ये था ये एफ बी में ये वाला पार्ट रहेगा, तो ये वाला पार्ट एफ ए बाई एफ बी, यही वैल्यू एफ ए ये डिनोमिनेटर में कॉस 30 हो गया √3/2 माइनस म्यू की वैल्यू √3/5 साइंस 30 1/2 और इधर कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस √3/5 म्यू की वैल्यू साइन 60 √3/2, दोनों में ही एलसीएम 10 आ जाएगा, वो कैंसिल। ये डिनोमिनेटर में हो गया 5√3, √3 कॉमन भी ले लिया, तो 5√3 − 1 4√3, तो डिनोमिनेटर में रह गया 4√3। ऊपर वो न्यूमरेटर के अंदर वैल्यू रह जाएगी ये 5 × 5 +3 8 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 के बराबर, तो 2/√3 ये वैल्यू आ जाएगी 17 में। 17 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में सिलेंडर मास m रेस्ट कर रहा है रफ हॉरिजॉन्टल कारपेट पे, रग पे, और पुल किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन a से, जिसको परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, और F जो है वो फ्रिक्शन फोर्स P पॉइंट पे एक्ट कर रहा है इस पे सिलेंडर पे, वो बताना है, और ये कंसीडर करना है कि सिलेंडर जो है वो स्लिप नहीं हो रहा है, तो इसको A एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करवा रहे हैं, सिलेंडर पे यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा वो पूछा हुआ है। तो सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, एम जी नॉर्मल फ्रिक्शन, यही फोर्सेस है इस पे। अब ये रोटेट भी करेगा ट्रांसलेट भी करेगा, तो यही रोटेशन कंसीडर कर लो, अल्फा की डायरेक्शन यही ले लो इसमें, और ये इसके ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ए डैश की वैल्यू इसको ले लो, अल्फा डैश इसको बोल लो। तो सेंटर के अबाउट टॉर्क देखेंगे तो केवल फ्रिक्शन का टॉर्क, तो फ्रिक्शन का टॉर्क एफ एस आर
इक्वल्स टू आई अल्फा, सिलेंडर है हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा डैश। ट्रांसलेशन के लिए एफ इक्वल्स टू एम ए डैश, ठीक है। फिर दूसरा रिलेशन क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन इसके बराबर रख के बराबर होना चाहिए, तो इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन रोटेशन की वजह से अल्फा आर, ट्रांसलेशन की वजह से ए डैश, और ये ए के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से इनकी वैल्यूज लिख दो, एक आर कैंसिल हो गया था, तो अल्फा डैश आर की वैल्यू लिख सकते हैं 2f बाई एम, और ए डैश की वैल्यू लिख सकते हैं f बाई एम इक्वल टू ए, तो f की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 1 3, तो a बाई 3 m, तो ये f की वैल्यू है, फोर्थ ऑप्शन इसमें हो जाएगा। 18 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में गैस मॉलिक्यूल्स जो है मास m है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, उसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वेलेंट टू 0 डिग्री सेल्सियस एनर्जी है, और स्ट्रेट विदाउट कोलिजन ये अपवर्ड जा रहा है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी तक जाएगा वो बताना है। हाइट अटेंड जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में कम है, तो जो गैस पार्टिकल यहाँ पे है वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, तो उसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी थी पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम बोल सकते हैं गैस पार्टिकल है 3/2 kd के बराबर, के बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट इंटू टी के बराबर, ये गैस पार्टिकल से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हम बोलते हैं हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू, और मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो ये पूरा पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा mgh, दोनों को इक्वेट कर दिया तो mgh इक्वल्स टू 3/2 kt। अब टेम्परेचर बोल रखा है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, तो हाइट की वैल्यू हो गई 39168 और बाय 2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बाय mg, इतना हाइट तक ये राइज होगा, तो ये हाइट इसकी आ जाएगी। 19 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर एक वुडन पीस है जो कट किया था रिसेंटली, उसमें 20 डीके पर मिनट हो रहा है कार्बन 14 का, और सेम साइज का दूसरा वुडन पीस जो किसी म्यूजियम में रखा हुआ है और बहुत साल पहले कट किया हुआ था, वो 2 डीके पर मिनट शो कर रहा है। अगर हाफ लाइफ कार्बन 14 का 5730 ईयर है, तो ये जो वुडन पीस म्यूजियम में रखा हुआ है उसकी एज क्या है अप्रोक्सीमेट वो बतानी है। तो देखें एक्टिविटी बोल सकते हैं कि अभी जो करंट वुड है जस्ट कट किया था उसकी एक्टिविटी 20 है, तो जो अभी म्यूजियम के अंदर वुड रखा हुआ था जब कट किया होगा उस टाइम पर उसकी भी एक्टिविटी इतनी रही होगी, सेम पीस है सेम साइज है सब कुछ, तो इनिशियल एक्टिविटी हम बोल सकते हैं वुडन पीस की 20 डीके पर मिनट है, और इतने साल के बाद उसकी एक्टिविटी इतनी रह गई, तो हम एक्टिविटी में रिलेशन लिख सकते हैं एक्टिविटी ए इक्वल्स टू ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस लेमडा टी, ये एक्टिविटी, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए नॉट बाय ए लॉग इक्वल्स टू लेमडा टी, या टी इक्वल्स टू बोल सकते हैं 1/λ को बोल सकते हैं लॉग 2 बाय हाफ लाइफ और log a नॉट बाई ए। अब देखें हमें t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हाफ लाइफ दे रखी है 5730 log 2 a नॉट बाई ए की वैल्यू, a नॉट बाई ए की वैल्यू आ जाएगी 10, और बेस e के अंदर हमें वैल्यू पता है, बेस 10 की वैल्यू e के अंदर 2.303, तो आ गया 5730, ये आ गया 2.303 डिवाइड बाय 0.7 के अप्रोक्स ये वैल्यू 0.69, तो यहाँ से कैलकुलेट करें ज़रा वैल्यू, तो 7 से लगभग ये मान सकते हैं कि 3 के अराउंड ये वैल्यू आ जाएगी, तो t की वैल्यू 0.91 लगभग इतना आ रहा है, तो एज ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा है इससे 21 से, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू जो होगा वो कंसीडर करना है, तो 17,000 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू, तो 17,000 से ग्रेटर 19,039 ईयर्स एज होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नेक्स्ट अब सेक्शन बी है जिसमें 10 इंटीजर क्वेश्चंस है जिनमें से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में
एक एडियाबेटिक कंप्रेशन में 830 जूल वर्क किया गया है 2 मोल डायटोमिक गैस पे, और वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस कर दिया इसका 50%। तो चेंज इन टेम्परेचर बताना है कितना हुआ है, टेम्परेचर में चेंज कितना होगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क हम बोल सकते हैं W इक्वल्स टू माइनस टाइम्स डेल्टा यू, और डेल्टा यू हम बोल सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी के बराबर। अब यहां पर वर्क की वैल्यू गिवन है, वर्क डन गैस पे जो वर्क किया हुआ है उसी की वैल्यू गिवन है। तो ये वर्क की वैल्यू हो गई 830 माइनस इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स टू CV की वैल्यू, डायटोमिक गैस है तो डायटोमिक गैस में CV की वैल्यू हो जाएगी 5/2 R, और R की वैल्यू है 8.3 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो 2 कैंसिल, 8.3 था तो इससे ये 100 टाइम्स हो जाएगा, माइनस के प्लस हो ही गया था यहाँ से, और 5 से 20 टाइम्स। तो डेल्टा टी टेम्परेचर में जो चेंज किया है वो 20 डिग्री सेल्सियस बोल दो, 20 केल्विन बोल दो, इतना चेंज इसके अंदर किया है, क्योंकि चेंज केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में हमें ये गिवन है कि दो फैक्ट्री है और सायरन में एक साथ 800 हर्ट्ज का बजाया हुआ है। एक मैन जो है वो एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। वेलोसिटी साउंड की 320 है, तो नंबर ऑफ बीट्स कितने सुनाई देंगे एक सेकेंड में उस मैन को वो बताना है। तो यहाँ पर एक सोर्स ये है साउंड सोर्स, दूसरा साउंड सोर्स ये है, एक मैन इधर की ओर जा रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी भी लगेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है। तो फ्रीक्वेंसी इसकी हम बोल सकते हैं V, ऑब्जर्वर चल रहा है, प्लस V नॉट डिवाइड बाय V इंटू F, और इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी V माइनस V नॉट डिवाइड बाय V इंटू F, और ये फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस, इसी को हम बीट फ्रीक्वेंसी बोल रहे होते हैं। तो ये कैलकुलेट करना था, डिफरेंस लेंगे तो V कैंसिल हो जाएगा, V0 2 V0 F / V के बराबर। वैल्यूज लिख दो, 2 V0 है 2, वेलोसिटी 2 थी, 800 हर्ट्ज है, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड है 320, तो 1632 से पूरा ये 100 हो जाएगा, ये 10 रह जाएगा, तो 10 हर्ट्ज बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी। तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड 10 यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक पर्सन जो है वो क्लाइंब कर रहा है एक एस्केलेटर पे 60 सेकंड में, और अगर एस्केलेटर रन करता है तो वो 40 सेकंड में वहाँ पे पहुँच जाता है, अगर मैन स्टेशनरी है स्टैंडिंग पोजीशन में है तो 40 सेकंड में पहुँच रहा है, और एस्केलेटर की हेल्प से पहुँच रहा है 60 सेकंड में। अगर मैन भी वॉक करे और एस्केलेटर भी चले तो उसको कितना टाइम लगेगा वो देखना है। तो देखिए इस वाली कंडीशन में ये है कि तीनों ही कंडीशन में अगर अकेला एस्केलेटर जाता है तो, अकेला मैन चलता है तो, या दोनों मूव कर रहे होंगे, डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल करना है। तो पहले का टाइम बोल सकते हैं टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, V1 मान लेते हैं मैन की, फिर दूसरी बार जो टाइम लगा है वो केवल एस्केलेटर चल रहा था तो ये इसका टाइम आ गया दूसरा। अब दोनों ही चल रहे हैं तो वेलोसिटी रिलेटिव VE है मैन की VM है, और ग्राउंड से देखेंगे तो वेलोसिटी दोनों चलने पर VM प्लस VE हो जाएगी, डिस्टेंस L ही चलना है। तो अब टाइम कितना लगेगा वो कैलकुलेट करना है, तो L बाय VM लिख सकता हूँ L/T1, VE लिख सकते हैं L/T2, तो ये आ जाएगा T1 डिवाइड बाय T1 + C2। तो T1 60 इंटू 40 बाय 60 प्लस 40 हो जाएगा 100, तो 24 सेकेंड अब लगेंगे इस कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 4 में एक साउंड सोर्स ए इमिट कर रहा है फ्रीक्वेंसी 1800, और ये फॉल कर रहा है ग्राउंड की तरफ टर्मिनल वेलोसिटी वी से। एक ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे है जस्ट इसके नीचे, उसको फ्रीक्वेंसी 2150 हर्ट्ज सुनाई दे रही है। अब सोर्स ए को जो वेव रिफ्लेक्शन के बाद पहुंचेगी उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखें यहाँ पे जब सोर्स इधर की तरफ मूव कर रहा है ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर, इसकी वेलोसिटी भी फ्रीक्वेंसी है 1800, और इसको रिसीव हो रही है फ्रीक्वेंसी 2150 हर्ट्ज। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो V/V - VS ये हो जाएगी, जो V बोल रखा है इन टू F हो जाएगा। अब यहाँ पर ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2150
50 और v बाय v माइनस v इंटू f फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 1800। तो देखें इससे हम क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, एक बार v बाय v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया v या 1 माइनस v बाय कैपिटल v इक्वल्स टू 1800 डिवाइड बाय 2150। और इधर ले आए तो 1 माइनस ये आ जाएगा 150 डिवाइड बाय 2150, ये v बाय v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रखा है कि यहां पे साउंड वापस रिफ्लेक्ट होके गया, इसके पास रिफ्लेक्ट होके गया, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो जो रिफ्लेक्ट होगा उस साउंड के लिए बोल सकते हैं कि यहां पे रिफ्लेक्शन वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी तो यही है। इस बार ऑब्जर्वर एक तरह से बोल सकते हैं, ऑब्जर्वर इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो अब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हम बोलेंगे एफ डैश इक्वल्स टू वी, और मूव कर रहा है ऑब्जर्वर अपॉन वी इनटू ये वाली फ्रीक्वेंसी, एफ डैश बोल देते हैं, एफ डबल डैश ये था। तो एफ डबल डैश इक्वल्स टू 1 प्लस वी बाई वी की वैल्यू ये रही 350 बाय 2150, और ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो रिफ्लेक्ट हो रही थी वो इतनी थी। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 2500, और ये बाद में डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, इतना हर्ट्ज। तो 2500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होने के बाद वहां तक पहुंच रही है इसमें। फोर्थ में क्वेश्चन नंबर 5 में एक बॉल है, मास है 160 ग्राम, थ्रो किया हुआ है एंगल 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से, स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, एंगुलर मोमेंटम बताना है बॉल का हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट पूछा हुआ है। तो देखें यहां से थ्रो किया, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, वेलोसिटी केवल हॉरिजॉन्टल होगी और वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर u cos 60 ही रहेगी। यहां से थ्रो किया है तो ये r है, लेकिन अगर वेलोसिटी वाली लाइन को आगे एक्सटेंड करते तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो एंगुलर मोमेंटम हम बोल सकते हैं एम वी आर परपेंडिकुलर, m गिवन है 160 ग्राम, वेलोसिटी चाहिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है 10 cos 60, cos 60 हाफ, तो ये 5 आ जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस h होगा जो हो जाएगा h की वैल्यू होती है प्रोजेक्टाइल में u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो u स्क्वायर वेलोसिटी 10 का स्क्वायर, sin 60 रूट 3/2 स्क्वायर करेंगे 3/4 डिवाइड बाय 2g, g की वैल्यू 10 के लिए बोल रखा है, 10 कंसीडर किया तो 10 गया 8 से 0.02 टाइम्स, और ये जीरो भी हटा दो और ये भी वन कर दो, तो ये आ जाएगा टोटल वैल्यू 3। तो इसका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा 3 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में E0 = E0i cap + 2E0j cap, जहां पे E0 की वैल्यू गिवन है, फ्लक्स बताना है एक सर्कुलर सरफेस से जिसका रेडियस गिवन है और वो पैरेलल टू वाई जेड प्लेन है। ठीक है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल दे रखा है। तो यहां पे देखें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और वाई जेड प्लेन के पैरेलल, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गई। अगर वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स में होगा वो इससे पास होगा, बाकी जो वाई में है जो इसका कंपोनेंट वो तो इसके पैरेलल, उसकी वजह से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि केवल एक्स वाला कंपोनेंट इनटू एरिया, तो इसमें से फ्लक्स हो जाएगा ई नॉट इनटू ए के बराबर, ई नॉट की वैल्यू है 100, एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 0.02, तो 100 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया 826 पॉइंट, और 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16, 5, 12 और यहाँ पे 0, इतना वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे वाई जेड प्लेन से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू, और ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। ठीक है, तो इतना फ्लक्स है, और अगर इसको राउंड ऑफ करें 2 decimal के बाद 2 place में तो 13 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर ये वैल्यू। 6 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन में एक स्क्वायर फ्रेम गिवन है, साइड लेंथ है 10 cm, एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर भी है,
एक एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब इसके पास से राइट साइड में ये फ्रेम मूव करना स्टार्ट करता है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा जब जो लेफ्ट वाली आर्म है वो इससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है उस कंडीशन में। तो देखिए यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड रहेगा, राइट हैंड थंब रूल से करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूमती हुई इस वाले रीजन में इनसाइड, और ये वाला जो पार्ट है इसकी लेंथ इधर है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा इसमें बी वी एल के बराबर, बी मैग्नेटिक फील्ड, वी वेलोसिटी, एल लेंथ। और इस वाले पार्ट में भी सिमिलरली इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन आ जाएगी, यहां पे एल और वी पैरेलल है तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दोनों में सेम डायरेक्शन होने की वजह से अपोज करता हुआ ईएमएफ, तो बी यहां पे ज्यादा, बी वन वी एल, और इधर वाले पार्ट में कम, तो इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ टोटल हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई पास वाले पार्ट पे एक्स, दूर वाले पार्ट पे म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स प्लस एल और इंटू वी इंटू एल, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। म्यू नॉट अपॉन टू पाई लिख सकते हैं 2 × 10⁻¹⁷, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर, बाकी रहेगा 1 अपॉन एक्स 10 सेंटीमीटर था तो 0.1 लिख दें जो ऊपर 10 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एल 10 और 10 20 सेंटीमीटर या 1 अपॉन 0.2 या 100/20 लिख दो 5 ही आ जाएगा, वेलोसिटी 10 है, लेंथ है 0.1, एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो गया, ये 5 × 2 10 ही आ जाएगा, तो 10⁻⁶ वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। 10⁻⁶ वोल्ट में पूछा है तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में एक सर्किट गिवन है, डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में अगर होता है तो वोल्टेज ड्रॉप 0.3 वोल्ट का है, वोल्टेज डिफरेंस बताना है ए और बी के अक्रॉस वोल्ट में। तो देखें ए और बी में वोल्टेज ड्रॉप अगर देखें तो फॉरवर्ड बायस में ही हुआ डायोड क्योंकि करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 0.3 का, और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा आई आर से 5.2 किलो और मिली देखोगे तो 1 वोल्ट के बराबर इसमें आ जाएगा। सिमिलरली सेम करंट यहाँ पे कैपेसिटर दे रखा है लेकिन कैपेसिटर से करंट फ्लो नहीं होगा जब स्टेट हो जाएगा उसके बाद, या ओपन सर्किट बोल दो, तो यहाँ पे भी ड्रॉप आ जाएगा 1 वोल्ट का, तो टोटल ड्रॉप आ गया 1 एंड 0.3, तो 2.3 वोल्ट का टोटल वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस है। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में टी स्क्वायर और एल के बीच में ग्राफ दे रखा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए, सिंबल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट था, और इसमें बताना है कि जी की वैल्यू कितनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखें यहाँ पे इस गिवन डेटा से देखें तो 2 पे जब टी स्क्वायर 2 है लेंथ है 0.5, जब टी स्क्वायर की वैल्यू 4 है लेंथ है लगभग 1, तो यही डेटा यूज कर लेते हैं टी स्क्वायर और 1। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड में रिलेशन कुछ इस तरह से था, स्क्वायर कर दो और जी उधर ले जाएं तो जी इक्वल्स टू 4π² L/T² ही हो जाएगा, वैल्यूज है 4π² 3.14 का स्क्वायर, लेंथ दे रखी है L की वैल्यू 1 ले ली तो ये आ जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3.14 का स्क्वायर है, तो 3.14 का स्क्वायर कर लें, तो 3.14 का स्क्वायर ये लगभग वैल्यू आ जाएगी 12, 3, 4, 9, 6, 9, 5 और 8, 9, तो 9.8596 तो अप्रोक्सीमेट 2 decimal place में 9.86 के आसपास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में स्टील रैप्चर हो रही है, अगर इस पर शेयर हम लगा दें 3.5 × 10⁸ N·m² का तो फोर्स कितना रिक्वायर्ड है इसको पंक्चर करने के लिए, 1 सेंटीमीटर डायमीटर का होल करना है स्टील की शीट में। तो देखिए स्टील की शीट दे रखी है, कुछ थिकनेस है उसकी, तो अगर यहाँ पे फोर्स लगा रखा है होल इस तरह से हो रहा है अगर, तो
शेयर स्ट्रेस हम जब लिखते हैं या शेयर फोर्स लिखते हैं, स्ट्रेस लिखते हैं, तो उस टाइम पर हम फोर्स टेंजेंशियल लिखते हैं उस सरफेस के। तो जिस सरफेस के टेंजेंशियल लग रहा है उस सरफेस का एरिया भी लेना होता है। तो यहां पे फोर्स, ये टेंजेंशियल फोर्स लगा एफ, ऐसे मान लो, और जो एरिया है जिस एरिया पे ये फोर्स लग रहा है, इस तरह से एक सर्कुलर होल हो रहा है, इस सरफेस के टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, तो ये सरफेस हो जाएगी 2πr लेंथ इनटू टी, इतना सरफेस एरिया पे फोर्स लग रहा है। तो सरफेस एरिया होगा 2πr इनटू टी। शेयर स्ट्रेस लिख रहे हैं तो शेयर टेंजेंशियल फोर्स लिखना था, और इस सरफेस के टेंजेंशियल लग रहा है, तो फोर्स अपॉन एरिया ये हो जाएगा शेयर स्ट्रेस। फोर्स की वैल्यू पूछी हुई है, शेयर स्ट्रेस दे रखा है 3.5 इंटू 10 से पावर 8, और इंटू एरिया किया तो एरिया हो गया 2 पाई, पाई को 22/7 लेने के लिए बोला हुआ है, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, डायमीटर है 1, तो रेडियस हो गई 1/2 इंटू 10 से पावर माइनस 2, थिकनेस हो जाएगी इसकी 0.3 सेंटीमीटर में है तो इंटू 10 से पावर माइनस 2, तो यहां पे 7 से 0.5 टाइम्स 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0.5 से ये वैल्यू हो जाएगी 11 इंटू 0.3, तो 3.3 इंटू 10 रेस पावर 4 8, तो ये आगे 10 रेस पावर 4 रह जाएगा यहाँ पे न्यूटन। तो 3.3 इंटू 10 रेस पावर 4 न्यूटन, 10 रेस पावर 4 न्यूटन पूछा था, तो 3.3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ पेपर डिस्कशन अपना खत्म होता है। थैंक यू। Hi students, myself Bhagwat Simud, our team physics CLC Sekar. Today going to discuss the MTS number 4th G Advanced Physics part first. My question is, the collector of the photoshell is made of tungsten while the emitter is of the platinum having work function is 10 electron volt. ये आपको दे रखा है, इसका work function दे रखा है 10, और उधर है tungsten, इसके ऊपर जो radiation emit हो रही है वो हो रही है 124 K, and power of 100 watt is the incident on the emitter which emit the photoelectrons with the quantum efficiency of 1%. The accelerating voltage across the photocell is of 10,000 volt. ये आपको information दे रखी है, ये सारा मैं यहाँ पर लिख रखा है, एक work function आपको 10 याद रखना है। तो अब इस question को हम solve करते हैं। Question number the first है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द टंगस्टन टारगेट कलेक्टर इज, आपको बोला कि जो कलेक्टर उसेर बना हुआ है वहां से रेडिएशन कितनी आएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो बहुत सिंपल सही है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है डायग्राम के अकॉर्डिंग, यहाँ तो प्लेटिनियम दे रखा है और यहाँ पर टंगस्टन दे रखा है, यहाँ जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी आपको वेवलेंथ दे रखी है 124, ठीक है 124, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट वर्क फंक्शन इसका दे रखा है 10, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी रहेगी एच सी लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, ये करेंगे, एच सी का वैल्यू आपको यूज करने के लिए दे रखा है, एच सी का यूज करना है 12400, 124 की इंसिडेंट हो रही है माइनस 10, तो ये आ गया अपने पास 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये अपने पास आ गया। नाउ यहां का जो बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दे रखा है 10,000, तो यहां इलेक्ट्रॉन जो इंसिडेंट करेगा इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो रहेगी 90 जो यहां से आई वो प्लस 10,000। ठीक है, ये आगे काइनेटिक एनर्जी। नाउ उसकी वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या रहेगा, 12400 एनर्जी, एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम, तो वेवलेंथ क्या रहेगी मिनिमम, 12400 डिवाइड बाय 10090, सॉल्व करोगे इससे आंसर आ जाएगा। सो ये अपना क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 124 इज हैज द एफिशिएंसी ऑफ 50% एंड पावर ऑफ एक्स रे इमिटेड बाय द टंगस्टन टारगेट इज 3 वोल्ट, आपको ये बोला गया है कि तो टंगस्टन टारगेट है इसकी जो है एफिशिएंसी है वो 50% है, तो एफिशिएंसी ऑफ द
आपको पूछिए कि एफिशिएंसी कितनी है, तो ये क्या है कि 50% इसमें से निकालता है, एफिशिएंसी का क्या करेंगे, पावर आउटपुट डिवाइड बाय पे इनपुट, ठीक है। आपको क्या दे रखा है कि वो है उसकी है 3% 3 वॉट, ये 3 वॉट, तो यार 3 वॉट, और जो अपने पास इनपुट है, इनपुट है आपको पैराग्राफ में दे रखा है 100, लेकिन एफिशिएंसी उसकी 50% दे रखी है, तो यहां पर कर देंगे 100, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 6%, ओके। तो ये अपने पास पैराग्राफ फर्स्ट इज ओवर। नो पैराग्राफ सेकंड, ए कंपाउंड पेंडुलम इज कंस्ट्रक्टेड बाय द टेकिंग ए थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर and the affixing a straight thin uniform string of mass m and length 2r across one of the diameter as shown in the figure. एक आपको रिंग दे रखी है जिसका मास m है, रेडियस r है, और एक वायर है जिसका मास m है, लेंथ 2r है। तो इसमें आपको आगे क्या पूछा है, इट इज हैंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू o। अब यहां पर देखते हैं, तो आपको याद रखना है एक रिंग है ऐसे, एक ऐसे है यहां से हिंग कर रखा है, और आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप यदि करना चाहो तो इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां से टिल्ट करते हैं, तो ये थोड़ा सा टिल्ट करेगा तो ऐसा चला जाएगा, इसका ये मास यहां लगेगा, यदि मैंने इसको थीटा से किया है तो आएगा 2mg sin θ r इज इक्वल टू iA alpha, ठीक है। तो मेरे पास यहां से अल्फा का वैल्यू आ गया 2mgr डिवाइड बाय iA थीटा फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन तो एक ही काम करना है अपन को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना a, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। अब देखो iA क्या फाइंड करूंगा, iA का मतलब जिसके अबाउट वो SHM कर रहा होता है, तो इस रिंग का कितना रहेगा 2mr स्क्वायर प्लस इस रिंग का ये एंड है तो 1/3 m 2r का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास स्टैंडर्ड ऑसिलेशन आ जाएगा। थर्ड, नेक्स्ट, फोर्थ, नाउ इट इज हंग अबाउट b। नाउ b क्या है एक बार देख लेते हैं, b है ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये भी उसी तरीके से करना है। तो अब आपको यदि इसके अबाउट हिंट करते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा, ये बी यहां पर ऊपर आ जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा, तो वही पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, बाकी सब होगा वही रहेगा। आई ए इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर प्लस इसका, अब देखो इसका इसके अबाउट होता है m 2r स्क्वायर बाय 12 प्लस अपन यहां पर शिफ्ट करना है, कितना शिफ्ट करना है mr, तो mr का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो वापस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आ जाएगा तो पहले आया था, तो बेसिकली टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इस केस में भी वो कम ही रहेगा, ठीक है। पैराग्राफ थर्ड, इस पैराग्राफ थर्ड को अपन यही सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन जो भी पूछेंगे वो पहले अपन एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द एयर इज इंसिडेंट एट द ग्रेजिंग एंगल, मतलब इंसिडेंट एंगल इज 90, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, on the long rectangular slab of a transparent medium of thickness, इसका जो thickness है वो दे रखा 1, the point of incident is the origin, यहाँ पर वो incident हो रहा है, the medium has the variable index of refractive, आपको ये m given है, where k का value खैर बहुत constant है, the refractive index of the air is 1, अब देखो पहले question देख लेते हैं, फिर उसको अपन solve करेंगे। Fifth question है, the relation between the slope of the trajectory of the ray at the point B x y दे रखा है in the medium and the incident angle at the point and the equation for the trajectory will be, ठीक है। एक तो आपको ये पूछा है और एक आप पूछा है coordinate of the point P where the ray intersect the upper surface of the slab air boundary, ये दो बात पूछी है, तो दोनों का solution मैं एक साथ ही करवा रहा हूँ, ठीक है। आप देखो ध्यान से देख लेना इसको, आपको ये बी पॉइंट दे रखा है, तो मैं थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूं, तो बड़ा सा ऐसे लेट अपन हाइपोथेटिकली ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे आ रहा है,
अब देखो पॉइंट ये है कि ये स्लैब ऐसे इंसिडेंट हो रही है, इसका जो नॉर्मल है वो हमेशा ऐसा रहेगा, नॉर्मल हमेशा इस टाइप से रहेगा। तो लेट मैं यहाँ पर एक सरफेस ड्रॉ करता हूँ, ये पॉइंट जो बी वाला मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका नॉर्मल जो है वो ऐसा रहेगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल उसके बीच में होता है, ये मैंने आई कर दिया, ठीक है। यहां से यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो ध्यान से देखना, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, जैसे यहां से टेंजेंट आएगी, यहां से जो टेंजेंट आएगी वो ऐसे आएगी, ठीक है। ये अपने पास थीटा, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स वो किसके बराबर है, टेन थीटा के, ठीक है। अपन को थीटा और उसको रिप्लेस करना है, मैं इसको लिख सकता हूँ टेन थीटा को 90 माइनस आई, दैट इज कॉट आई। तो अपना जो पैराग्राफ के अंदर जो पहला ऑप्शन है, जो क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट वाला, उसमें पहला ऑप्शन यही है, तो ये वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब अपन को इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे फाइंड करनी है, देखो सिंपल सा बता देता हूँ। ये अपने पास इक्वेशन आ गई, अपन क्या करेंगे, यहाँ का आपको दे रखा है 90 डिग्री, तो इक्वेशन में यहाँ लिख लेता हूँ, फिर अपन इंटीग्रेशन करना है, म्यू नॉट दैट एयर का साइन 90 इज इक्वल टू यहाँ का जो भी है म्यू साइन आई, ठीक है। ये आपको याद रखना है, तो बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया यहां से सॉल्व करने पर, क्योंकि देखो म्यू नॉट वन दे रखा है, साइन 91 होता है, तो साइन आई का वैल्यू आ गया, साइन आई इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू, वन अपॉन म्यू, ठीक है। अब मुझे वहां पर यूज क्या करना है साइन का, कि मैं यहां पर यूज करूंगा, क्योंकि आपको साइन आई म्यू की टर्म में आ रहा है और म्यू आपको वो गिवन है, तो मैं बाकी सब मिटा रहा हूं, क्योंकि पहले का ऑप्शन आ गया साइन आई इक्वल टू वन अपॉन म्यू है। अब इसका यूज देखो, मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, लेट ये अपने पास आई है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो गया म्यू स्क्वायर माइनस वन। ये मैं इसलिए यूज करता हूं, कर रहा हूं कि मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आ रखा है, तो आई थिंक मुझे सब मिटाना है, वो वहां ड्रॉ कर दिया मुझे जो करना था वो वहां पर। देखो ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टेन आई, नाउ वन अपॉन टेन आई, टेन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वन डिवाइड बाई ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस वन। तो अपने पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। म्यू का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास ये दे रखा है, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, क्योंकि आपने सभी लिख दिया होगा, लास्ट में आ गया ये, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू म्यू का स्क्वायर, यदि मैं म्यू मतलब एन इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा के वाई थ्री बाई टू प्लस वन, ठीक है। तो आ जाएगा, अब मैं सीधे लिख लेता हूँ, म्यू स्क्वायर माइनस वन करूंगा तो माइनस वन, तो ये तो कट जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा सिर्फ ये आ जाएगा के वाई थ्री बाई टू, तो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है वो आ रहा है वाई की पावर थ्री, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं रहा, डी वाई वाई क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका सॉल्व करेंगे तो इसके जो दो ऑप्शन है दोनों का आंसर आ जाएगा। फोर्थ का जो आंसर है उसमें क्या करना है, ये आपको y का वैल्यू गिवन है, ये जो y है वो कितना है वन, तो y का वैल्यू जैसे यहाँ पर आप पुट करोगे इंटीग्रेशन करने बाद तो अपने पास क्या आ जाएगा x, ठीक है। ओके, पैराग्राफ नंबर फोर्थ, ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 4V नॉट मेड ऑफ द परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट बाय द फिक्स्ड रिजिड वॉल whose lower half is non-conducting and upper half is purely conducting. The right side of the wall is divided into two equal parts by means of the massless non-conducting piston free to move as shown
सेक्शन ए कंटेन 2 मोल ऑफ द गैस व्हाइल द सेक्शन बी एंड सी कंटेन 1 मोल ईच ऑफ गामा गिवन है 3/2 एट प्रेशर पी नॉट द हीटर इज लेफ्ट पार्ट इज स्विच ऑन द टिल द फाइनल प्रेशर इन सेक्शन सी बिकम 125/27 पी नॉट कैलकुलेट. देखो ओवरऑल इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, सॉल्यूशन तो कैलकुलेशन अपन कर लेंगे. ये जो वॉल है, बीच वाली वॉल आपको जो दिख रही है, ये है नॉन मूवेबल, रिजिड है, तो ये मूव नहीं करेगा. इसका ये जो प्रोसेसर है, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट. मतलब इसका वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, 2 मिनट. किसका, ए का. बी और सी को जो कनेक्ट करने की वाली वॉल है, ठीक है, इसमें ध्यान रखना ये जो वॉल दे रखी है ये तो है नॉन कंडक्टिंग, मतलब हीट सप्लाई वहां से नहीं हो सकती. ओवरऑल ऊपर भी ये भी दे रखा है कि बी और सी को जो कनेक्ट कर रही है वो भी नॉन कंडक्टिंग है. इसका मतलब सी को कहीं से भी हीट सप्लाई नहीं हो सकती, सो सी विल फॉलो द एडियाबेटिक प्रोसेस. पहली बात, ए और बी जो है जो कनेक्टेड है बीच में वो है कंडक्टिंग वॉल से, तो जो बी का फाइनल टेम्परेचर है और ए का जो फाइनल टेम्परेचर है वो सेम रहेगा. जी याद रखना, फाइनल टेम्परेचर किसका, ए और बी, उसका सेम रहेगा. अच्छा, ये जो डिवाइड कर रही बी और सी को, ये मूवेबल है. इसका मतलब जो प्रेशर सी का रहेगा वो प्रेशर बी का रहेगा, तो ओवरऑल अपन को पता ही है. अच्छा, ये रिजिड है तो बी प्लस सी का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम 2V0 रहेगा. इन चीजों को आपने यूज करना है. अब मैं इसमें क्या क्वेश्चन पेपर ले लेता हूँ, क्योंकि अपन को क्वेश्चन बड़ा है, पेज चेंज करना पड़ेगा, तो आपको दिक्कत नहीं आए. क्वेश्चन नंबर 7, आपको क्वेश्चन याद ही है, मैं इसका सॉल्यूशन लिख लेता हूँ. देखो क्या बोला है, तीनों क्वेश्चन एक साथ ही करने हैं, तो मैं लिख लेता हूँ. फाइनल टेम्परेचर इन पार्ट सी पूछा है, द हीट सप्लाइड बाय द हीटर ये पूछा है, और फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बी पूछा है. तो मैं टेम्परेचर बी और सी का पहले बता देता हूँ और हीट की बात कर लेंगे अपन. तो सबसे पहले अपन को पता है कि जो सी पार्ट है इट विल फॉलो द एडियाबेटिक प्रोसेस. सो पी वी गामा इज इक्वल टू पी वी गामा 1/1 2/2. अब पहले प्रेशर है पी नॉट, वॉल्यूम है वी नॉट, गामा दे रहेगा आपको 3/2. फाइनल प्रेशर 125/27 पी नॉट वी 3/2, ठीक है. अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा 9/25 वी नॉट. ये किसका आया है, सी का. मैं एक बार यहाँ ड्रॉ करता हूँ डायग्राम. ये तो 2V0 है, इधर ये हो गया, तो अपने पास ये नया वॉल्यूम आ गया 9/25 V0, ठीक है. यहाँ का प्रेशर टेम्परेचर फाइंड करना इजी है, यहाँ टेम्परेचर आपको पार्ट सी पूछा है, तो अब मैंने वहाँ डेटा लिख दिया, वो डेटा मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है. प्रेशर आपको पता ही है, यहाँ का प्रेशर आपको गिवन है, यहाँ का प्रेशर कहाँ तक करना है 125/27 P0, ये आपका प्रेशर है. तो बेसिकली अब कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे लगाना है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. पी है 125/27 P0, वॉल्यूम है 9/25 V0, ये है 1 R T. तो इसका जो फाइनल टेम्परेचर है, जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो आएगा इसका, इसको ओपन वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर. ये सिंपल सा ही इसको सॉल्व करोगे तो जैसे ये किया, ये आ गया 5, ये आ गया 3, तो एक्चुअली 5 P0 V0/3 R, ये इसका ऑप्शन हो गया, ठीक है. नाउ हीट सप्लाइड पूछा है, हीट में बाद में करते हैं. अगला क्वेश्चन जो पहले पूछा है आपको टेम्परेचर ऑफ द पूछा है बी, और वैसे भी आपको हीट सप्लाई के लिए टेम्परेचर ऑफ बी फाइंड करना जरूरी है. तो देखो अब क्या करना है, अपन को पता चल गया है कि इसका जो वॉल्यूम है वो ये है. अब मैं बी की बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना, बी की बात, बी का और सी का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ द बी प्लस वॉल्यूम ऑफ द सी इज इक्वल टू 2V0. वॉल्यूम जो बी का है वो फाइनल है, सी का फाइनल जो आया है वो आया 9/25 V0 इज इक्वल टू 2V0. तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 41/25 V0. प्रेशर इसका वही रहेगा जो आपने दे रखा है, प्रेशर कितना है 125/27 P0, ये इसका प्रेशर है. तो यहां से आपको वॉल्यूम भी नहीं रखा है,
अब वो सॉल्व करना, इसका टेम्परेचर भी आ जाएगा, कैसे आएगा, एक बार लिख लेता हूँ, 125 डिवाइड बाय 27 पी नॉट, वॉल्यूम दे रखा है 41 डिवाइड बाय 25 वी नॉट इज इक्वल 1 आर टी ऑफ बी, और जो टी ऑफ बी आएगा वही आएगा टी ऑफ ए, क्योंकि ये कंडक्टिंग है तो दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा सेम, ठीक है, ओके। नाउ हीट सप्लाइट पूछा है, तो अपन को बताया कि जो पूरा कंटेनर है इस पर नेटवर्क डन तो किसी पर होगा नहीं, तो अपन सीधा सीधा कर लेते हैं डेल्टा यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ द सिस्टम, डेल्टा यू वन प्लस डेल्टा यू टू प्लस डेल्टा यू थ्री। अब देखो सिंपल से आप सॉल्व कर लेना, एफ वन बाई टू, इसमें टू मोल एन एफ बाई टू एन आर टी फाइनल, जो अभी फाइनल अपना टेम्परेचर आया था टी बी माइनस इनिशियल था टी नॉट, ऐसा इसके अंदर यूज कर लेंगे, एफ बी डिवाइड बाई टू ये वन आर टी बी माइनस टी नॉट, ऐसा सी का कर लेंगे एफ बाई सी डिवाइड बाई टू वन आर टी सी माइनस टी नॉट, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पैराग्राफ हो गए पूरे इसके, ओके। नाउ सेक्शन सी, सेक्शन सी में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए वायर ऑफ स्टील ऑफ लेंथ 0.5 एम एंड डेंसिटी 4.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इज क्लैंप्ड tightly between two rigid support, the initial temperature of the support are 100, the temperature of the one of the support is suddenly dropped to the 20 degrees Celsius, if after the steady state has been reached, the fundamental frequency is aapko given hai, then find the value of f, fundamental frequency de rahi hai, overall apan ko kya find karna hai, overall apan ko find karna hai fundamental frequency, now fundamental frequency ka formula kya hota hai, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2L T बाई म्यू, म्यू को लिख सकते हैं अपन रो ए, ठीक है, ये अपने पास है। अब देखो क्या क्या आपको चीजें दे रखी है, आपको लेंथ दे रखा है पॉइंट, ये आपके पास लेंथ है यूज कर लेना, अपन को फाइंड करना है T या T बाई A, कैसे फाइंड करेंगे, आपको यंग मॉडल्स दे रखा है, तो सबसे पहले यंग मॉडुलस का फॉर्मूला यूज करता हूँ, गामा डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू टी बाई ए, ठीक है, नाउ सिंपल सही है, टी बाई ए इज इक्वल टू गामा, इसको यूज करते हैं अल्फा डेल्टा टी, बस आपको गामा दे रखा है, अल्फा दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है, डेल्टा टी रो ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड इज एस्टिमेटेड यूजिंग द लाइट ऑफ वेवलेंथ 3.0 प्लस माइनस 1 नैनोमीटर, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय, स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है, एससी बाई का वैल्यू यूज करना है नॉन डुप्लीकेट, व्हाट इज द एरर इन द वर्क फंक्शन, ये एरर का क्वेश्चन है बेसिकली, तो देखो क्या करेंगे, अपने पास फॉर्मूला होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल ए V stopping potential is equal to Sc lambda minus work function, ठीक है, work function इस साइड लेकर आते हैं, work function is equal to E Vs plus Sc lambda minus E Vs, बस फॉर्मूला आ गया, नाउ इसको मैं कर लेता हूं फाई बाई ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्ब्डा माइनस वी एस, ई को नीचे नहीं लाओगे तो भी चलेगा, नाउ इसके अंदर एरर फाइंड करते हैं, तो यदि मैं इसको डेल्टा फाई मतलब डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा, ध्यान से देखना एच सी ई ये तो कॉन्स्टेंट है, ये आ जाएगा डेल्टा लैम्ब्डा डिवाइड बाई लैम्ब्डा का स्क्वायर माइनस डेल्टा Yes. देखो अपने पास सारा डेटा दे रखा है, एस सी बाई ये आपको वैल्यू गिवन है, डेल्टा लैम्ब्डा जो है, डेल्टा लैम्ब्डा गिवन है ये 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर,
लैम्डा दे रखा है 310, अभी इसका यूज नहीं करना है, अब वो परसेंटेज एरर पूछा है, तो डेल्टा फाई बाई फाई करेंगे तो अपने पास, हालांकि वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी, एस सी ई डेल्टा लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर माइनस डेल्टा, एरर के अंदर ये है प्लस ध्यान रखना, डेल्टा वी एस डिवाइड बाय फाई, फाई कितना था वो भी लिखा था हमने, एस सी डिवाइड बाय ई लैम्डा माइनस वी एस, इसको जो आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.39%। नेक्स्ट, इन द गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ आई इन द एम्पियर, इसमें आपको करंट पूछा है, ठीक है, कौन सा करंट पूछा है, ये वाला, तो ये सिमेट्रिक सर्किट है एग्जैक्टली, इसके अबाउट, या मैं ये बोलूं तो इसके अबाउट सिमेट्रिक सर्किट है, इसके अबाउट ये सिमेट्रिक सर्किट है, तो आपका ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, ये आपको इसको देखकर डरना नहीं, क्वेश्चन एग्जैक्टली बहुत ईजी है, ये फाइव इधर बेसिकली ये और ये ऐसा आ जाएगा, ये बीच का ऐसा आ जाएगा, सिमिलर नीचे आ जाएगा, तो आपको करंट यहाँ से पूछना है, यहाँ का पोटेंशियल 10 डिफरेंस है, ये इसको मैं जीरो पोटेंशियल मान लेता हूँ, तो जीरो, ये 10, ये 10, तो करंट आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 10 1 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, the at time t0 activity of the radioactive substance is 1600, at t is equal to 8 second activity become 100 bq, to dekho kitna de rakha hai 16, ek time period mein kitna ho jayega 800, next mein kitna ho jayega 400, next mein kitna ho jayega half life mein 200, next mein kitna ho jayega 100, तो 8 है, यदि मैं 8 को देखो कितने बांट रहे हैं, 1 2 3 4, तो 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, आप इसमें सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते थे, एन नॉट टू की पावर एन वहां से भी आ जाता, बट ठीक है, तो इसका हाफ लाइफ आ रहा है, वो आ रहा है 2 सेकंड, ठीक है, तो बोला है कि 2 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 2 सेकंड बाद कितना होगा 800, आंसर कितना आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू स्टार इज 10a, आपको दो स्टार दे रखे हैं, एक का मास m है, एक का मास 16m है, इनके बीच की डिस्टेंस है वो है 10a, एंड देयर रेडियाई आर ए एंड 2a रेस्पेक्टिवली, इसकी m की तो है a और इसकी है 2a, very good, yeah. A body of mass m is fired straight from the surface of the larger star towards the small. अब यहाँ से एक को ऐसे project किया है, smaller, then its minimum initial speed to reach the surface of the smaller star is approximately, आपको बोला है कि initial कितनी velocity देगी वो यहाँ पर आ जाए, नो देखो यहाँ पर दोनों फील्ड एक्ट कर रहे हैं, इसका भी फील्ड है, इसका भी फील्ड है, ये फील्ड अपने को अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला फील्ड ऐसे को अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे ही मास पार्टिकल इसके फील्ड में आ जाएगा वो पार्टिकल अपने पे आ जाएगा, तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ से आने लगानी है, अपन को एक रीजन लिखना पड़ेगा बीच में जहां पर फोर्स जीरो हो रहा है, मतलब एक बार यदि यहाँ पर आ गया ना तो वो अपना भी आ जाएगा, ठीक है, तो अपन देखते हैं कि एक्स कितना डिस्टेंस पर है, तो दोनों का फोर्स बैलेंस करना है, 16m जी मैं काट रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई 10a माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 4 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 10a माइनस एक्स, ठीक है, और सॉल्व करते थे यहाँ आ गया 40a इज इक्वल टू 5x, x का वैल्यू आ गया 8a, मतलब इसके सेंटर से 8a डिस्टेंस तक चला गया ना, फिर वो अपना भी चला जाएगा, इसका फील्ड का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, तो बेसिकली मुझे यहाँ तक WT लगाना है, ये जो डिस्टेंस है x वो आ गया 8a,
मैं यहां लिख लेता हूं 8a, ठीक है। नौ उद्योगों लगाते हैं डब्ल्यू टी वर्क एनर्जी, ठीक है। वापस डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, कोई नहीं, अपन को डेटा याद है। ये 2m यहां से 8a डिस्टेंस तक आ जाना चाहिए, यहां से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है। तो क्या करेंगे, देखो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, जब वो यहां पर है तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी माइनस जी, यहां 16m डिवाइड बाय 2a, इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसके कारण वहां पर, तो माइनस जी m डिवाइड बाय यहां से इसके डिस्टेंस है, आपको टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है 10a, 10a है ना, 10a। तो यहां से डिस्टेंस कितनी होगी 9a प्लस हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू, यहां से यहां पर आएगा तो वेलोसिटी जीरो होगी तो भी चलेगा, बिकॉज उसके बाद अपना भी चला जाएगा। तो अब मैं ये एनर्जी एक बार आपको साथ में लिखनी है, ये एनर्जी इक्वल टू जो इधर की एनर्जी लिख रहा हूं, इधर किसके बीच में, ये 10 है तो यहां से डिस्टेंस कितनी होगी इसकी 2a, तो माइनस जी एम एम डिवाइड बाई 2a प्लस माइनस जी 16m एम डिवाइड बाई 8a। इसको सॉल्व करो, v का वैल्यू आ जाएगा, वहां पोर्ट करोगे तो p विल बी 5। क्वेश्चन नंबर 6, द फोर स्पेयर इच ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर इन मास आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज। देखो क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपको एक ये दे रखा है, इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, मास है 0.5, इसका जो डायमीटर है वो है 0.5 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस आएगी वो आ जाएगी रूट 5 डिवाइड बाई 2, उसके लिए अपन को लोड नहीं लेना है, ठीक है। आपको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, तो देखो आई इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 2/5 एम आर का स्क्वायर, इसका और इसका आ गया, उन दोनों का क्या करूंगा 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस होती है रूट 2a, यदि a है तो ये होती है रूट 2a, रूट 2a का आधा, तो मैं एक बार ऐसे लिख लेता हूँ रूट 2a 4 डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर इंटू एम, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम एज शोन इन द फिगर, पुलीज आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग आर आल्सो मासलेस, आपको ये गिवन है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो अपन को इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, क्योंकि जब भी फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो अपन ऑसिलेशन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले लेट मैं अज्यूम कर लेता हूं ये इक्विलिब्रियम है, तो डेफिनेटली यहां पर क्या लगेगा mg, यहां पर ये कितना लगेगा kx, इधर भी कितना लगेगा kx, तो इसके अंदर आ जाएगा 2kx, इधर भी कितना आ जाएगा 2kx, तो मैं कर लिख लेता हूं x नॉट x नॉट, तो बेसिकली अपने पास आ गया 4kx नॉट इज इक्वल टू mg। देखो यहां से एक अपन को आइडिया और मिल गया, ये mg लगते हुए कितना 4 टाइम मूव करेगा, अब कैसे देखते हैं, क्योंकि जब भी अपन को एसएचएम के क्वेश्चन करने होता है इसको डिस्प्लेस करना होता है। देखो याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि ऑलरेडी x नॉट इसके अंदर एक्सटेंशन है, ठीक है। नाउ यदि मैं इस मास को छोड़ो, सपोज मैं ये जो नीचे वाली पुली है इसको x ऊपर मूव कराता हूं, x ऊपर मूव कर रहा हूं या x डाउनवर्ड मूव कर रहा हूं, तो ये यहां से x लूज हो जाएगा और ये x लूज हो जाएगा, तो ये पुली ऊपर चले जाएगी 2x,
ये पुलिस 2x ऊपर चले जाएगी, तो ये यहां से 2x और 2x ये कितने लूज हो जाएंगे 4x। तो बेसिकली यदि मैं x मूव करता हूं तो अब स्प्रिंग फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा, ध्यान से देखना, वो हो जाएगा k x नॉट माइनस 4x, क्योंकि x नॉट ऊपर चला गया 4x। ठीक है, अब आपके पास ये नया वाला t आ गया, ये t et आ जाएगा 2 टाइम ऑफ इसका k x नॉट माइनस 4x, ये कौन सा आ गया, ये वाला t1। ठीक है, अब ये जो t2 है, t2 क्या हो जाएगा उसका 2t1, तो वो तो बेसिकली 4 टाइम आना था, तो 4k x नॉट माइनस 4x। अब इसकी इक्वेशन लिख लो, t2 माइनस mg इज इक्वल टू ma। ठीक है, आपको ये दे रखा है t2 4k x नॉट, सॉरी 4k x नॉट माइनस 4x माइनस mg इज इक्वल टू ma। नाउ कंपेयर करो, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज एनर्जी, x इज डिस्टेंस, t इज टेम्परेचर एंड k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बीटा इज। देखो बेसिकली आपको ये आपको सब कुछ दे रखा है, ये यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है तो मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, आप सीधे सीधे कर लेना। ये एनर्जी आएगा अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा, ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एक्स है अपने पास एल स्क्वायर, अल्फा डिवाइड बाय बीटा आ गया अपने पास एम टी माइनस टू, ये डायमेंशन लेस होता है, तो के टी अल्फा एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन लेस। ठीक है, आपको टी टेम्परेचर दे रखा है तो इसको अपन केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं डायमेंशन है, यूज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, ए गिटार स्ट्रिंग प्रोड्यूस 5 बीट व्हेन द साउंडेड विद 50 हर्ट्ज, बोला 50 के हर्ट्ज के साथ कर रहा है तो 4 दे रहा है, तो मतलब क्या क्या हो सकता है, 54 और 46। ठीक है, एंड 9 बीट व्हेन साउंडेड विद 55 के साथ वो 9 दे रहा है, तो 55 के साथ 9 देने का मतलब है कि यहाँ तो हो सकता है 55 के अंदर 9 ऐड कर दो तो 64, यहाँ घटा दो तो कितना हो गया 46, तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज 46। ओके, तो थैंक यू, आज का पेपर करने के लिए धन्यवाद, जय जय सीएलसी।